में ये जानना है कि शैतान ने इस बहन को या इस भाई को जो है जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उसे आज्ञा देना है। यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देते, छोड़, निकल इसे, निकल यहां से, बस इतना कहना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे आज जो है, हमारा विषय है, क्या शैतान ही शैतान को निकाल सकता है। इसके विषय में जो है मैं और आप जो है बातचीत करेंगे। ये बड़ा समझने वाला विषय है। जब हम मत्ती 12 अध्याय 24 से 28 पद तक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है ये किन किस संबंध में बात करता है और किन लोगों के लिए बात करता है, कि क्या शैतान ही शैतान को निकाल सकता है। जरा बड़ा विचार करेंगे इसके ऊपर। बहुत सी टिप्पणियाँ, बहुत सी बातें होती हैं, और अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम चमत्कारों की बात करते हैं, अद्भुत कामों की बात करते हैं, सामर्थ की बात करते हैं और बहुत से आश्चर्य कर्मों की बात करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये सब जो है ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे लोगों के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है और ये परमेश्वर की ओर से जो है ये नहीं है। ये जो चमत्कार, ये जो आश्चर्यकर्म, ये जो अद्भुत चीजें दिखाई जा रही हैं या दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग जो हैं मत्ती 12 अध्याय उसका 24 से 28 पद तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से 26 पद को, कि साहब अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की ओर से नहीं निकाली जा रही, ये चंगाई परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही है, ये चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही हैं, तो आपने ये पद पढ़ा है मत्ती 12 और उसका 26 पद है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज कैसे बना रह सकता है। अब ये जो है ये सपोर्ट करते हैं कि साहब आप बताइए कि शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है, किस तरीके से निकाल सकता है। अगर वो यीशु मसीह के नाम से निकाल रहे हैं, वो तो यीशु मसीह का नाम लेकर निकाल रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं क्या कहूं। इसके लिए हमें बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत सी चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए मत्ती 12 अध्याय 24 को 28 तक पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नवियों, झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षकों के बारे में क्या कहता है। पहले हम उनके बारे में जाने, जब हम उनके बारे में जान लेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये जो चीजें हो रही हैं आज के समय में, जो यीशु मसीह के नाम से लिया जा रहा है, ये यीशु मसीह के नाम से नहीं लिया जा रहा, ये सब झूठ और फरेब पर स्थिर है। अब कैसे, पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका 24 से 25 तक। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन में मत्ती 24 अध्याय में क्या कह रहा है, 24 के 24 पद को जब आप पढ़ा है, कि मैं तुम्हें पहले से कह देने का मतलब क्या है, पहले से तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि अंत के दिनों में क्या होगा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े। अब बिल्कुल साफ कह रहा है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता जो है वो उठ खड़े होंगे, और ये कब उठ खड़े होंगे, ये जो है ये क्या करेंगे, ये बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये जो झूठे मसीह हैं, ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये बड़े बड़े काम दिखाएंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे। और क्या, एक बड़ी विशेष बात लिखी हुई है, और ये जो विशेष बात है ना, ये साधारण लोगों के लिए भी नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है कि हो सके तो वो चुने हुए को भी भरमा देगा। ये झूठे भविष्यवक्ता और ये झूठे मसीह जो हैं, ये चुने हुए को भी भरमा देंगे। अब कैसे भरमा देंगे, अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े और अद्भुत कामों के साथ, कितने बड़े बड़े काम, कितने अद्भुत काम देखेंगे आप। अभी आप देख रहे हैं कि साहब वो चलने लगा, वो अंधा देखने लगा, और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, दुष्ट आत्मा उसके अंदर, शैतान से बातचीत कर रहे हैं,
जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब दुष्ट आत्माओं को उसने बोलने भी नहीं दिया, मगर यहां पर क्या होता है, उनका पूरा बायोडाटा लिया जाता है, कहां से आई हो आप, कौन है, आपका नाम क्या है, आपका कार्य क्या है, क्यों आए, कितने सालों से। अरे हमें ये सब लेने से क्या मतलब, बस हमें ये जानना है कि शैतान ने इस बहन को या इस भाई को जो है जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उसे आज्ञा देना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देते, छोड़, निकल इसे, निकल यहां से, बस इतना कहना है। क्या हमें उसका परिचय करके, उसका नाम जान के हम क्या करेंगे, उसके वो कहां रहता है हम जानकर क्या, हमें क्या लेना देना है वो कहां रहता है। बस हमें उस बहन उस भाई को जो है उस शैतान से छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम में देना। मगर नहीं साहब, वो तो पूरे जग को बताएंगे, देखो शैतान से मैं कैसे बात करूं, देखो शैतान को मैं कैसे गिरा रहा हूं, देखो शैतान मेरी हर बात का जवाब दे रहा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहीं नहीं करा, प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं करा, उसके चेलों ने भी ये नहीं करा, ये परमेश्वर का जो वचन बताता है। फिर क्या है, कौन से चिन्ह दिखाएगा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। अब आप क्या कहोगे, ये कौन लोग हैं, ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये शैतान के एजेंट हैं जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम दिखाएंगे। स्वर्ग से क्या आपको लगेगा, स्वर्ग से आग आ रही है, आसमान से आ रही है, आसमान से आग गिरा देंगे, जैसे एलिया ने करा था वैसे ये भी करेंगे, आसमान से आग जो है वो आ जाएगी उनके लिए और वो आपके सबके सामने, सब मनुष्यों के सामने, आप कहोगे अरे ये तो परमेश्वर के सामने। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 24 अध्याय में, देखो मैंने पहले से तुम्हें कह दिया, यानी पहले से तुम्हें सावधान किया है कि ऐसा ऐसा होगा अंत के दिनों में, ऐसा ऐसा होने जा रहा है कि इनके द्वारा झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीही लोगों के द्वारा जो है वो होने जा रहा है। किस तरीके से काम करता है शैतान, देखिए दूसरा कुरंतियों 11 अध्याय उसका 13 और 15 पद है, 13 से 15 पद तक यहां है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्दूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब यहां पर जरा ध्यान देने की बात है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शैतान जो है वो खुद एक ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। एक ज्योतिमय स्वर्ग, आप कमरे में लेटे हैं, आप दुआ करके लेटे हैं, एकदम से प्रकाश हो जाए, पूरा घर भर जाए, आप देखें कि एक स्वर्गदूत जो है प्रकाश माने स्वर्गदूत है, प्रकाश उसके परों से निकल रहा है, उसके शरीर से निकल रहा है, आप कहोगे प्रभु के स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया। मगर वो यदि आपको वचन के खिलाफ कुछ बात करने की बात कर रहा है तो आपको वो भी समझना है। तो उसके जो सेवक है, उसके जो एजेंट है, उसके जो दूत है, वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, वो प्रभु के सेवकों का रूप धारण कर लेते हैं, वो प्रेरितों का रूप धारण करके आ जाएंगे, वो पादरी प्रचारकों का रूप धारण करके आपके पास आ जाएंगे कि साहब हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। अब देखिए वो रूप जो धारण करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि शैतान किसका रूप धारण कर रहा है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है। किस स्वर्गदूत का, परमेश्वर के ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है, ठीक है। अब जब वो परमेश्वर के ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है तो वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं तो शैतान हूं और मैं आपको ये आदेश देता हूं, वो तो ये कहेगा मैं तो प्रभु का दूत हूं, मुझे प्रभु ने भेजा है और वो कभी था प्रभु का दूत, और उसके जो सेवक है वो प्रभु के सेवकों का रूप धारण करके जब आपके घरों में आएंगे तो वो आपसे क्या कहेंगे कि हम शैतान के सेवक हैं, आइए शैतान की आराधना करें। नहीं, वो प्रभु के सेवकों का रूप ही प्रभु का नाम लेकर आएंगे और आपको गलत दिशा में और गलत खास तौर से परमेश्वर के वचन से आपको भटका देंगे और परमेश्वर के वचन से दूर रह जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हर समय सावधान रहने के लिए कहता है। यह पहला योना की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब यहां क्या लिखा हुआ, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो बल्कि उन आत्माओं को परखो
कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अब आपको क्या पता यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। दुनियादारी की सब बातें पता है, जब परमेश्वर की बात आती है, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, जब परमेश्वर के धर्म के कामों की बात आती है, तो साहब हम लल्ला हो जाते हैं, हमें पता नहीं। हमें पता होना चाहिए। और जानते हैं प्रभु क्या कहता है इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे प्रेरित, इन झूठे मसीही, इन झूठे प्रचारकों के बारे में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जरा सुन लीजिए। मत्ती 7:21-23 पद तक, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब यहां पर जो है एक विशेष बात जरा ध्यान देने की बात है। हर समय जो हे प्रभु करते रहते हैं, हर समय नहीं प्रभु करेगा, नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, हर समय हे प्रभु करने वाले जो हैं, ये जरूरी नहीं कि आत्मिक लोग। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। अब पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा है कि हम उसके वचन को माने, उसके वचन को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को माने और जैसा उसके वचन में लिखा वैसे ही कार्य करें, अपने आप को शुद्ध, अपने आप को यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा से धोकर शुद्ध और पवित्र करें और अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में सौंपे। परमेश्वर का वचन जो कहता है और क्या कह रहा है, उस दिन आकर देखिए। अब यहां पर क्या होगा, न्याय के दिन क्या होगा, अब बड़ा ध्यान देने की बात है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना है और क्या लिखा है, न्याय वाले दिन क्या होगा। न्याय के दिन जब प्रभु जो है झूठे लोगों को आग की झील में जब डालेगा, ले जाओ इन्हें, इन झूठे भविष्यवक्ताओं को, इन झूठे लोगों को, इन झूठे मसीह को, झूठे प्रेरितों को और ये छल से काम करने वालों को ले जाओ, आग की झील में डाल दो। आश्चर्य करें, अरे प्रभु तू हमें आग में डाल रहा है, हैं? क्या लिखा हुआ है कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं करे। अब वो तो ये कह रहा है, हैं, कि सब कुछ हमने तेरे नाम से ही किया। आपने किया तो, मगर यहां प्रभु क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान देने की बात है। 23 पद में क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर कहने का मतलब है साफ शब्दों में प्रभु क्या कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तो जानता ही नहीं था तुम्हें, तुम जो कुछ भी कर रहे थे मेरे नाम से कर रहे थे, मेरे नाम से तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, मेरे नाम से आश्चर्य कर्म कर रहे हो, मेरे नाम से अद्भुत काम कर रहे हो, परंतु मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं था जो तुम मेरे नाम से कर रहे हो। मेरे नाम से कर रहे हो अपनी महिमा के लिए कर रहे हो, मेरे नाम से कर रहे हो अपनी कमाई के लिए कर रहे हो, मेरे नाम से कर रहे हो तुम अपने जो लग्जरी जीवन है उसके लिए कर रहे हो, नहीं तो प्रभु के सेवकों ने कब कमाई के लिए ये सारी चीजें करी है? आज जितनी भी चीजें हो रही हैं कमाई के लिए हो रही है, पैसे के लिए हो रही है, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए, बड़ा धार्मिक और पवित्र दिखाने के लिए हो रहा है। प्रभु कह रहा है ऐसे लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूं। और जब न्याय वाले दिन ऐसा कहेंगे तो कह रहा मैं तो खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म मतलब बहुत ही बुरे काम करने वाले, जो तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करा है, मेरे नाम की पवित्रता को तुमने खंडित किया है, मेरे नाम की जो पवित्रता थी, जो शुद्धता थी, जो धार्मिकता थी, वो तुमने खंडित करने की कोशिश करी है, चले जाओ यहां से, डाल दो इन्हें उठाकर, मैं नहीं जानता इन्हें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो उनको ले जाकर क्या करेगा, डाल देगा। और जानते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम जो हैं मत्ती 12:24 और उसका 24 से जो है पद पढ़ते हैं और उसका 28 तक पढ़ते हैं, उनको सपोर्ट में कि साहब शैतान के लिए फिर कैसे निकाल सकता, ठीक है शैतान के लिए नहीं निकाल सकता, तो यहाँ यीशु मसीह मत्ती 7:21-23 पद में क्यों कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। उन्होंने काम तो यीशु मसीह के नाम से करे, वो तो गिना रहे हैं कि यीशु मसीह हमने तेरे नाम से ये करा, तेरे नाम से ये करा, तेरे नाम से ये करा। इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह के नाम से नहीं करा,
वो किसी और के नाम यीशु मसीह का था, काम किसी और का था, नाम यीशु मसीह का लेकर काम किसी और का वो कर रहे थे, और इसलिए वो झूठे भविष्यवक्ता झूठे उसमें रहे और प्रभु जो है उन्हें नहीं जानता। मत्ती 12 का 24 पद में पढ़ना चाहूंगा, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा है, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालुज बुल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। अब यहां पर क्या है, किसकी सहायता से, बालुज बुल कौन है, ये क्या है, ये इसके बारे में क्या जानते हैं, बस कह दिया भाई नीचे वो स्टार बना है ना, उसके नीचे पढ़ लिया कि शैतान है, बस हो गई छुट्टी। मगर यहां परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है, ये मक्खियों का स्वामी कहलाया जाता था, मक्खियों का स्वामी, और प्राचीन काल में इसे ईश्वर जेबुल के नाम से जाना जाता था, और या बाल जेबुल जो है, बाल जो है, बाल जो देवता होता था वो जेबुल कहलाया जाता था, और क्या कहलाया जाता था, जेबुल जो है वो प्रभु है, जेबुल जो है वो प्रभु है, और बालजबुल को जो है और भी कुछ कहा जाता था, वो क्या कहा जाता था, इब्रानी भाषा में जेबुल, जेबिल का मतलब होता है डंग, मतलब गोबर, उसे जो है गोबर का स्वामी भी कहा जाता था। अब सोचिए, ऐसे प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह जिस पवित्रता के साथ वो काम कर रहा है, जिस पवित्रता के साथ वो लोगों को चंगाई दे रहा है, जिस पवित्रता के साथ वो अंधों की आंखें खोल रहा है, लंगड़े ठीक हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, और वो क्या है, ऐसे जो मक्खियों का राजा हो, जो गोबर का स्वामी हो, ऐसे नाम से वो करेगा, उसके अधीन होकर करेगा, नेवर, कभी नहीं। मगर आज बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अंत में एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, और वो बात यह है कि ये जो काम हो रहा है चंगाई का या भविष्यवाणी का, जो भी काम हो रहा है, ये किसी और के द्वारा नहीं, ईसाई समाज के द्वारा हो रहा है। ईसाई समाज के अंदर की बात है कि ईसाई समाज में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं, ये किसी और समाज की बात नहीं है। और जो प्रकाशित वाक्य में पशु दिया गया है, ये सब ईसाई समाज के, मसीही समाज के लोग हैं। और इसलिए मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 के 24 में बिल्कुल साफ कहता है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, ये उनमें से निकले हुए लोग हैं। कहीं आप किसी और को समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये मसीह समाज के झूठे लोग हैं, फरेबी और छल से काम करने वाले लोग हैं, इनसे अलर्ट रहें। ये प्रभु के राज से आपको भटकाना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं, आप प्रभु के राज में बने रहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी ये संदेश यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, ये इसका पहला भाग है। इसके दूसरे भाग के लिए अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दें।